बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं उस मुल्क का नाम है मेक्सिको, जो कि नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्रैवल के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस कोने में लगे नीचे लाल बटन के ऊपर क्लिक करके दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हमारे आज के वीडियो की तरफ। प्यारे नाज़रीन, मेक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है और अमेरिका का हमसाया देश होने की खातिर इसको दुनिया में काफ़ी मकबूलियत हासिल रही है। तो चलते हैं मेक्सिको की हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेक्सिको की आज़ादी की तारीख की। तो आप लोगों को बताते चलें कि मेक्सिको ने स्पेन से आज़ादी हासिल की जो कि तकरीबन 11 साल तक मुसलसल जंग लड़ते रहे और बाला आखिर 16 सितंबर 1810 को मेक्सिको ने स्पेन से आज़ादी हासिल की। बात की जाए मेक्सिको में सियासी निज़ाम की तो वहाँ पर सदारती निज़ाम हुकूमत है और उनके मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम एंडिस मैरियल लोपेज ओब्राडोर है। मुल्क का कंट्री कोड 52 है और करेंसी का नाम मैक्सिकन पैसो है। अगर कन्वर्ट किया जाए मैक्सिकन पैसो को पाकिस्तानी रुपीज़ में तो एक मैक्सिकन पैसो के बनते हैं पाकिस्तानी 6 रुपये और इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो वहाँ पर बनते हैं 3 रुपये। आगे बात की जाए मेक्सिको के एरिया की तो वो है 1.973 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा रकबा है। आगे दोस्तों बात करते हैं पॉपुलेशन की तो वो है 127.6 मिलियन 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक। आगे बात की जाए मुल्क की कुछ कौमी चीज़ों के बारे में तो मुल्क का कौमी खेल चरेरिया है और मुल्क का कौमी एनिमल गोल्डन ईगल है और मुल्क का कौमी बर्ड गोल्ड ईगल है। आगे दोस्तों बात करते हैं कौमी फूल की तो उसका नाम है दहलिया। आगे दोस्तों बात हो जाए मुल्क के पासपोर्ट की रैंकिंग की तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको का पासपोर्ट दुनिया में 24वें नंबर पर रैंकिंग में आया है, जिस पर वीज़ा फ्री कंट्री की तादाद है 51 और वीज़ा ऑन अराइवल 41 और जिन ममालक के लिए वीज़ा दरकार है उनकी तादाद है 106। दोस्तों जब बात हो रही हो मुल्क की पासपोर्ट रैंकिंग की तो ऐसे में मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को अगर कभी ज़िंदगी में मेक्सिको जाने का मौका मिले तो अभी जो टूरिस्ट प्लेसेस आप लोगों को बताने जा रहे हैं इन जगहों के ऊपर ज़रूर विज़िट करना। टॉप 5 मेक्सिको की मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस जो कि दर्ज झैल हैं। पहले नंबर पर है कैनक्यून एंड दी मयान रेवेरिया, दूसरा नंबर आता है प्योर्टो वालर्टा, तीसरे नंबर पर कैबो सान लुकोस एंड दी लॉस कैबोस कॉरिडोर, चौथा नंबर है दोस्तों कॉपर कैनियोस मेक्सिको ग्रैंड कैनियो और पाँचवें नंबर पर आती है मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस मेक्सिको सिटी हिस्ट्रिकल सेंटर। आगे बात हो जाए मुल्क के कुछ मशहूर और बिजीएस्ट एयरपोर्ट की तो उनमें पहला नंबर आता है मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरे नंबर पर है कैनक्यून इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोस्तों चौथे नंबर पर है गुदालाजारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जिनमें ये तीन काबिल जिक्र और काफ़ी मशहूर हैं। बात की जाए मुल्क की जीडीपी की तो वो है 1.274 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि नॉमिनल रिपोर्ट है 2019 की। आगे दोस्तों जीडीपी का रैंक देखते हैं तो वो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 16वां और 2019 में पीपी के मुताबिक 11वां है। जीडीपी ग्रोथ 2018 में 2.2 और 2021 में 3.3 रहेगी। आगे दोस्तों बात करते हैं मेक्सिको में मिलिट्री पावर की तो आप लोगों को बताते चलें किसी भी मुल्क में उसकी मिलिट्री पावर को काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो आप लोगों को बताते चलें 2021 में मेक्सिको की मिलिट्री का रैंक है 139 कंट्री में से 46 यानी कि 46 और इसकी मिलिट्री का जो बजट है वो आप लोगों को बताते चलें 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 7000 यूएस मिलियन डॉलर्स रहा है। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मेक्सिको की बॉर्डर की जो कि यूएसए के साथ काफ़ी लंबी बॉर्डर लगती है और इसमें एक दरिया भी बहता है जिसको इन्होंने नाम दिया है रियो ग्रैंडी का और ये काफ़ी मशहूर भी है, जिसकी लेंथ तकरीबन
3034 किलोमीटर है और गुल्फ़ ऑफ मैक्सिको कहलाता है। यहाँ पर बात हो जाए दोस्तों मैक्सिको के लोगों की, तो तकरीबन आधे मैक्सिकन वो रहते हैं यूएसए में, और जो तकरीबन आधे बचते हैं वो मैक्सिको में अपने देश में रहते हैं। उसके अलावा कुछ बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की है जो कि गैरकानूनी तौर पर मैक्सिको में दाखिल हुए और वहीं पर रिहाइश अख्तियार किए रखे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेनिश लोग भी रहते हैं और दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं। बात हो जाए टॉप 5 कंपनीज़ की जो मैक्सिको में हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका मोबिल, दूसरे नंबर पर है फेमसा, तीसरे नंबर पर है ग्रुपो मैक्सिको, चौथे नंबर पर है एल प्यूटो डी लिवरपूल और पांचवें नंबर पर है ग्रुपो टेलजीवा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये पांच कंपनियां इनमें काबिले जिक्र और मशहूर हैं। मुल्क का सबसे अमीर इंसान, उसका नाम है कार्लोस स्लिम, जिसकी नेटवर्थ 2021 के मुताबिक 52 बिलियन US डॉलर्स है। आगे दोस्तों बात हो जाए मैक्सिको में मंथली सैलरी की, तो जो कि लो सैलरी है मैक्सिकन पैसो वो है 8400 और एवरेज सैलरी मंथली मैक्सिकन पैसो में 33200, और जो हाई सैलरी है मंथली जो लोग ले रहे हैं सबसे हाई सैलरी वो 1,48,000 मैक्सिकन पैसो हैं। आगे आप लोग अपनी करेंसी के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी करेंसी के मुताबिक कितने बनते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस की। आप सभी वाकिफ होंगे, शायद ही को दुनिया में ऐसा बच्चा हो जो कोरोना वायरस के नाम से ना वाकिफ हो। तो आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस ने 2021 तक मैक्सिको में जो तबाही मचाई है वो है टोटल केसेस 1.97 मिलियन, जिनमें रिकवर हुए हैं 1.53 मिलियन, और जिनकी डेथ हुई है उनकी तादाद है 1,71,000। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैक्सिको की सैर के ऊपर। और आप लोगों को बताते चलें कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने पहले कनाडा, अमेरिका और क्यूबा की सैर के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और अभी तक आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।